तो आज हम लेके आए हैं मेथी आलू मटर की मजेदार रेसिपी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता के आइस किचन में। तो चलिए, आज हम बना रहे हैं आलू मेथी मटर की मसालेदार सब्जी, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। बहुत मज़ा आता है खाने में। तो चलिए दिखाते हैं। हमने मेथी देख सकते हैं ले लिए हैं। ये है मेथी, थोड़ी सी धनिया, और इसमें देख लीजिए मटर और आलू और एक टमाटर ले लिए हैं। तो आलू को हम उबाल लेंगे। तो सब चीज़ जैसे मटर छील के, मेथी को पत्ते सारे तोड़ के धो के लेंगे, आलू उबाल लेंगे। चलिए सब चीज़ तैयारी करके फिर बनाने का तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, बनाते हैं। तो मेथी और मटर आलू बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए हमने एक कटोरी में छील के मटर ले लिए हैं। ये हमारा मेथी आ गया और ये आ गया आलू, जो हमने उबाल के छील के और इस देख सकते हैं इसे टुकड़ों में काट के ले लिए हैं। चाहे तो आप कच्चे आलू को छील के इसे टुकड़ों में काट लीजिए। और ये देख सकते हैं हमने ले लिए हैं एक प्याज, एक टमाटर और ये लहसुन अदरक हरी मिर्च कूट के, और ये धनिया पत्ता आ गया, और इसमें हमारा सरसों का तेल आ गया, और ये सारे मसाले आ गया हमारा, और ये जीरा, सारा सामग्री देख सकते हैं हमने ले लिए हैं। तो हमें मटर और मेथी आलू बनाने के लिए इतना सारा सामग्री चाहिए जो कि हमने ले लिए हैं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं, तो वीडियो में आगे बने रहे। तो देख सकते हैं हमें कढ़ाई ले लिए हैं, देख सकते हैं गैस चालू कर लिए हैं, इसको गरम कर लेते हैं खूब अच्छे से। तो देख सकते हैं कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, इसमें डाल लेते हैं सरसों का तेल। तो तेल को खूब अच्छे से हम गरम होने देते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया, इसमें डाल लेते हैं जीरा। तो ये आप अच्छे से पका लेते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे लहसुन अदरक मिर्च, जो हम कूट के रखे थे, तो आप चाहे तो काट के ले सकते हैं अगर कूटने की कोई चीज़ ना हो तो। देख सकते हैं हम लहसुन मिर्च और अदरक डाल रहे हैं, इसको थोड़ी सी पका लेंगे। और इसी के साथ हम प्याज डाल रहे हैं। तो प्याज को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे थोड़ी सी कलर चेंज करने तक। तो 2 मिनट तक हम भून लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं 2 मिनट के लिए हमने भून लिए हैं इसको। अब इसमें डाल लेते हैं टमाटर, तो जो टमाटर हमने काट के रखे थे डाल दें। गैस को कम कर ले रहे हैं, पहले मसाला डाल लेते हैं। हमारा टमाटर भी पक जाएंगे, मसाले भी साथ में पक जाएंगे। तो सबसे पहले डाल लें स्वाद अनुसार नमक, तो आप नमक स्वाद अनुसार लें। ये मेरा नमक, उसके बाद ये आ गया हल्दी, आधी चम्मच से आधी ले रही हूँ। तो ये आ गया हमारा मिर्च का पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच से कम ले रहे हैं, और आधी चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले हमने ले लिए हैं, इसको भून लेते हैं खूब अच्छे से। टमाटर भी पक जाएंगे, मसाला भी जब तक तैयार हो जाएंगे भून के। मसाला हमने थोड़ी इसलिए लिए हैं कि मसालेदार बना रहे हैं, थोड़ा सूखी बना रहे हैं, मसालेदार बना रहे हैं, चटपटी सी, एकदम चटपटी सी बन के तैयार हो जाएंगे। तो टमाटर को अच्छे से पका लेना है, मसाला भी पक जाएंगे जब तक।
तो देख सकते हैं मसाला हमारा भून गया, टमाटर भी अच्छे से मैश हो गया इसमें। तो अब इसमें डाल लेते हैं हम मेथी। सबसे पहले अगर टमाटर नहीं मैश हुआ तो ऐसे दबा दबा के हल्के हाथों से ऐसे मैश कर लेके, देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा बन के, खुशबू भी बहुत मस्त आ रहे हैं। तो अब डाल लेते इसमें मेथी। तो मेथी देख सकते हैं बहुत ढेर सारा मेथी लिए इसमें। तो मेथी को दो कट तीन कट मारे हैं बस, देख सकते हैं ज़्यादा बारीक भी हमारा नहीं है मेथी। आप चाहे तो बारीक काट के ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी काट के ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो डंठल नहीं रहना चाहिए बस। तो अब इसको भी भून लेते हैं तेज आँच पे। अब आँच तेज कर लेते हैं। मेथी गलने तक पका लेते हैं, इसको बराबर चलाते रहिए। मेथी तो झटपट में गल जाती है, देख सकते हैं एक मिनट भी नहीं लगा मेथी गल गया, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। गैस को गर्म कर ले रहे हैं। सब्जियाँ जैसे डाल देंगे तो डालते समय हम कम कर ले रहे हैं, फिर डालने के बाद हम तेज़ करके भून लेते हैं। तो अभी हम कम कर लिए हैं, अब इसमें डाल लेते हैं मटर। देख सकते हैं मेथी गल गया है काफ़ी। तो ये आ गया हमारा मटर, देख सकते हैं कितना सारा मटर लिए है। अब इसको पका लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो बीच बीच में अब मैं ढक रही हूँ, तो बीच बीच में ढक के चलाते रहिएगा। मैं अब तेज़ कर रही हूँ गैस को। तो अगर जैसे लग रहा है ना आपका सब्जी नीचे लगने वाला है तो गैस कम कर लीजिए, सबसे लो फ्लेम कर लीजिए, बिल्कुल नहीं जलेंगे। अब इसको हम ढक के पका लेते हैं। तो बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट में चलाते रहना है। तो हम ढक दिए हैं, तो चलिए 1 मिनट हो गया, चेक कर लेते हैं। इसको चला के देख लेते हैं, नीचे लग तो नहीं रहा है, तो हल्की सी वो ये लगने वाली है। तो हम गैस कम कर लेते हैं, इसको चला लेते हैं, फिर से ढक देंगे। तो कम करके हम 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे, बीच में एक बार चेक कर लेना है। टमाटर खूब अच्छे से पका लेना है। तो हम फिर से ढक रहे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए फिर से हम चेक कर लेते हैं, वो देख सकते हैं, देख लेते हैं। गैस को हमने कम करके पकाए थे, इसे देख लेते हैं मटर पका है कि नहीं। नहीं पका तो हम और ढक के पका लेंगे। तो जैसे हम आलू अगर कच्चे आलू से बना रहे हैं तो जैसे मटर डाल दिए ना, उसी के साथ हमें अभी थोड़ी सी कसर है, अभी नहीं पका है, तो हम एक बार और ढक के पकाएंगे। तो जैसे मटर डाले थे हम, तो अगर कच्चे आलू हम डाल रहे हैं उसमें काट के, तो जैसे मटर डाले ऐसे साथ में आलू भी डाल देंगे। तो जैसे अभी पका रहे मटर को, इतना टाइम में आलू भी पक के हमारा तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं मटर हमारा पक के रेडी हुआ कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं पक गया है ये। अब इसी के साथ हम आलू डाल लेते हैं। देख सकते हैं हम आलू ले लिए हैं। अब गैस को हम तेज कर लेंगे और तेज आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे नहीं, बस इसको भून लेंगे, पका लेंगे। अगर चाहे तो 1-2 मिनट के लिए ढक के पका सकते हैं कि थोड़ा इसमें ग्रेवी और खुशबू मैश हो जाए अच्छे से। तो देख सकते हैं हम तेज आँच पर इसको भून रहे हैं। अगर कढ़ाई का दंती गरम है ये पकड़ने वाले, तो कोई कपड़ा से पकड़े के लिए हाथ से हाथ बचा के रखें। तो पकने देते हैं 2 से 3 मिनट हम पका लेते हैं। ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी लगती है।
अभी सीजनल है मटर की मेथी की, तो ज़रूर बनाए आप एक बार ट्राई करें, बहुत मज़ा आने वाला है खा के। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए हमने भून लिया इसको अच्छे से, बहुत मज़ेदार मतलब बहुत अच्छा खुशबू आ रही है इससे। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं धनिया जो हमने काट के रखे थे, और तो ढेर सारा हमारा धनिया है देख सकते हैं, बहुत ढेर सारा धनिया है इसमें। अब चाहे तो आप थोड़ी सी चिकन मतलब ये मीट मसाला आते हैं ना जो 5 रुपये की, वो थोड़ी सी डाल ले और बहुत मज़ेदार बन जाती है। तो हम डाल रहे हैं देख सकते हैं, वो ये आसानी से मिल जाते हैं, 5 रुपये में पैकेट मिलती है, मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ देख सकते हैं, थोड़ी सी डालो बिल्कुल थोड़ी सी खुशबू के लिए, मज़ेदार बनती है, 2 गुना टेस्टी से हो जाते हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, धनिया को भी थोड़ी सी पका लेते हैं। ये हमारा बन के तैयार हो गया है, अब चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं इसको, गैस को बंद कर देना है। तो देख सकते हैं, तो अब हम गैस को बंद कर दिए हैं, तो चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं, ये हमारा बन के तैयार। तो देख सकते हैं सब्जी बन के हमारा तैयार है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो सारे को इसी तरीके से निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, हम निकाल लिए प्लेट में, थोड़ी सी हम डाल रहे हैं घी। तो देख सकते हैं ये हमारा घी आ गया थोड़ी सी, बहुत ही मज़ा आ जाता है खा के। घी डाल ले थोड़ा सा ऊपर से, एक मिर्ची, थोड़ी सी टमाटर, ये बहुत टेस्टी टमाटर है, छोटी वाली है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। देख सकते हैं हमारा मटर आलू मेथी बनके तैयार है। तो कैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, ताकि आगे जो हम वीडियो अपडेट करेंगे आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।